आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है जिसकी विचारधारा पंजाब और पंजाबियत से जुड़ी है। हम गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व और गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को पूरे देश में और दुनिया में पूरे सम्मान के साथ मनाते हैं। हमने बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जयंती पूरे विश्व में मनाई थी। हम गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिब जादों की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा करते हैं। हम बंटवारे की विभीषिका की याद में पंजाब पर वो गांव कितने गहरे हैं वो पंजाब के लोग जितना जानते हैं वो दिल्ली में बयानबाजी करने वालों को पता नहीं है। ये विभाजन की विभीषिका कितना घा पंजाब के सीने पर लगा है उसकी उसको भी भुला दिया गया था। हमने तय किया उस विभीषिका की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की हमने घोषणा की। लेकिन ये लोग पंजाब की विरासत को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये लोग पंजाब की धरती पर लूट खसोट भ्रष्टाचार और माफियावाद की फसल उगा रहे हैं। साथियों, हम देश की सीमाओं को मजबूत करते हैं, सेनाओं को अधिकार देते हैं, लेकिन उनके नेता सेना के लोगों को गुंडा कहते हैं, हमारे सैनिकों की शहादत पर सवाल उठाते हैं। ऐसे लोगों की नीयत कटघरे में है, उनकी मनसा पर सवाल है। साथियों, पूरा पंजाब गवाह है कि हमने 1984 के सिख दंगों की जांच के लिए एसआईटी बनाई, उसके पीड़ितों की मदद की, लेकिन दंगे के आरोपियों को पार्टी में बड़े पद देकर कांग्रेस ने हमेशा आपके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। कांग्रेस का कंट्रोल जिस परिवार के पास है वो पंजाब से अपनी पुरानी दुश्मनी निकालता है। जब तक कांग्रेस उस परिवार के कब्जे में है कभी भी पंजाब का भला कांग्रेस नहीं कर सकती है। साथियों, भाजपा सरकार अपने कामकाज के भरोसे चुनाव लड़ती है। जिनके पास कामकाज का हिसाब नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी पंजाब में झूठ का खेल खेलने आ गए हैं। पंजाब में आकर ये पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं और ये लोग खुद गली मोहल्ले में शराब के ठेके खुलवाने के एक्सपर्ट हैं। पंजाब को इनसे भी सतर्क रहना होगा। ये पंजाब को नशा माफियाओं के हवाले करना चाहते हैं। और आप लोग ये आप भी याद रखिए, ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से सबूत मांग रहे थे, पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे थे। साथियों, ये कैसे लोग हैं, इनका चरित्र कैसा है, मैं आपको बताता हूं। 2014 का जब चुनाव था, मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था और मैं चुनाव अभियान के लिए पूरे देश में दौड़ रहा था। राज्य के मुख्यमंत्री के नाते वहां का काम भी करता था। एक दिन हुआ ऐसा कि मुझे पठानकोट आना था और पठानकोट से हेलीकॉप्टर लेके मुझे हिमाचल के दौरे पर जाना था। आप हैरान हो जाएंगे, कांग्रेस के नामदार उनके युवराज वो सिंपली एक पार्टी के एमपी थे और कुछ नहीं थे।
उस दिन उनका भी अमृतसर के आसपास कहीं कोई कार्यक्रम था। मेरे हवाई जहाज को उड़ने नहीं दिया गया, मुझे पठानकोट पहुंचने में 1-1.5 घंटा देरी हुई। जब पठानकोट पहुंचा तो मेरे हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने दिया। क्यों? क्योंकि उनके युवराज पंजाब के किसी दूसरे कोने में आने वाले थे, इसलिए मुझे हवाई यात्रा करने से रोक दिया गया था। ऐसा सत्ता का दुरुपयोग एक परिवार के लिए कैसा होता था 2014 में, और हेलीकॉप्टर सूर्यास्त होने की तक ही चल सकता था, सूर्यास्त होने से पहले उड़ जाना पड़ता था। मेरे हिमाचल के 2 कार्यक्रम उस समय इतनी दौड़ धूप के बीच कैंसिल करने पड़े थे। इस प्रकार से अपने विरोधियों को रोकना, परेशान करना, ये कांग्रेस के कारनामे रहे हुए हैं भाइयों। इस प्रकार की परेशानियां हर विपक्ष को कांग्रेस पिछले 50-60 साल जब भी मौका मिला है यही करती रही है।